भगवदीता द सांग ऑफ गाड भगवद्गीता चैप्टर नाइन वर्स ट्वेंटी फाइव यादव्रता देवान् पितृन्न पृव्रता भूतानी चां मध्द्धाजिना पीमा यान्ति जाते हैं देवव्रता देवताओं की पूजा करने वाले देवान देवताओं के बीच पितृन पितरों के बीच यान्ति जाते हैं पितृव्रता पितरों की पूजा करने वाले भूतानी भूत प्रेतों के बीच यान्ति जाते हैं भूत इच्छा भूतों प्रेतों के पूजा करने वाले या जाते हैं मत मेरे जजित भक्तगान ओपी लेकिन माम मेरे पास जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं जो पीतरों की पूजा करते हैं वो पीतरों की जोनियों में जन्म लेते हैं भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और केवल मेरे भक्त मेरे धाम में प्रवेश करते हैं भक्त जिस सत्ता की आराधना करते हैं वो उसकी स्तर तक उठ सकते हैं जैसे किसी पाइप से जल उसी जलाशय तक पहुंचता है जिससे उसे जोड़ा जाता है इस श्लोक में विभिन्न सत्ता की आराधना से प्राप्त होने वाले गंतव्यों की जानकारी द्वारा श्री कृष्ण हमें इनकी जटिलताए समझ रहे हैं इस जानकारी द्वारा वो हमें यह निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के उच्च अवस्था पर पहुंचने के लिए हमें केवल भगवान की आराधना करनी चाहिए वर्षा के देवता इंद्रों सूर्यों की देवता सूर्यों धन के देवता कुबेर और अग्नि देवता आदि की आराधना करने वाले स्वर्गलोक को जाते हैं उसके बाद जब उनके पुण्य पुण्यकर्म खीण हो जाते हैं तब उन्हें स्वर्ग से लौटा दिया जाता है पितर हमारे पूर्वज है उनके प्रति कृतज्ञता के विचारों को प्रश्रय देना उत्तम है लेकिन अनावश्यक रूप से अनेक कल्याण की चिंता हानिकारक होती है जो पितरों की पूजा करते हैं वो मृत्यु के पश्चात अपने पितरों के लोक में जाते हैं कुछ लोग अज्ञान भूत प्रेतों की पूजा करते हैं पश्चात जगत में लोग इंद्रोजाल और सम्मोहन अफ्रीका में काला जादू करने वाले और भारत में बम मर्गी भूत प्रेतों का आहान करते हैं श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग ऐसे कर्म में लिप्त रहते हैं वो अगला जन्म भूत जो की जोनियों में लेते हैं परम भक्त वो है जो अपना मन भगवान के दिव्य स्वरूप में अनुरक्त कर देते हैं व्रत का अर्थ संकल्प लेना और वचनबद्ध होना ऐसा भगवशाली आत्माओं जो दृढ़ संकल्प से भगवान की आराधना करती है और जो पूर्वक उनकी भक्ति में लेन रहती है वो अगली जन्म में उनके लोक में जाते हैं